साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। एटा में कैंप का पेट्रोल पंप के कर्मचारी का खून से लथपथ फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। परिजनों को मृतक पेट्रोल पंप कर्मचारी की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाकर हत्या करने की आशंका, दो साथी कर्मचारियों सहित पंप मालिक हरिनारायण खेमका पर लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फांसी के फंदे से मृतक के शव को उतार। SSP के निर्देश पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम। सूचना पर मौके पर पहुंचे एटा SSP उदयशंकर सिंह, एडिशनल SP धनंजय सिंह कुशवाहा और CO सदर राघवेंद्र राठौर सहित कोतवाली नगर पुलिस पर। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। मृतक व्यक्ति का नाम नरेश पुत्र दुर्वीन सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी सीतलपुर का बताया जा रहा है। थाना कोतवाली नगर के अलीगंज चुंगी के पास खेम का पेट्रोल पंप जेटी रोड का मामला। कोतवाली नगर पुलिस को आज प्रातः सूचना मिली खेम का पेट्रोल पंप अलीगंज से राम केवल निवासी सीतलपुर उम्र 45 संदिग्ध परिस्थितियों में चौक प्राप्त हुआ है और मौके पर पुलिस आई है पीओ में और इस घटनाक्रम की जो है पूरी जनता की छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया और बाद पोस्टमार्टम में इन सारी चीज़ों पर पुलिस का निकल पाए गए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले